गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये हमारा जो इस सेमेस्टर के लिए पहला लेक्चर है। तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ क्या था? उसके अनुसार था कि कोई एक पिंड होता है और दूसरे पिंड की ओर आकर्षित होता है, तो जो आकर्षित होने का आकर्षण बल होता है उसी को ही न्यूटन लॉ के अनुसार ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इसे मैंने लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अर्थ हिंदी में ले तो मतलब इसका क्या हुआ कि एक पिंड दूसरी पिंड की ओर एक आकर्षण बल रखता है एक दूसरे के प्रति, वह आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण उसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या परिभाषा होती है, तो देखिए, द फोर्स ऑफ attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses. यानी को दो पिंड हैं, उनके मध्य जो मास है, जैसे माना एक में M1 है, मैं मान लेता हूं, जैसे दो पिंड है, एक ये पिंड है, एक ये पिंड है, इस पिंड का मास M1 है, इस पिंड का मास M2 है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर की मध्य की दूरी स्मॉल r है, इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इधर, इसका बल आकर्षण बल लग रहा है आपस में FF, तो ये बोल रहा है द फोर्स, जिसकी परिभाषा के अनुसार क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इन दो मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी F समानुपाती M1 dot M2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इस डिस्टेंस के वर्क के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो F समानुपाती 1/r². इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कनेक्ट करने पर F समानुपाती हो जाएगा M1 dot M2 upon r square। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठाएंगे तो यहां आ जाएगा F बराबर G M1 dot M2 upon R square, ठीक है ना। तो ये G जो क्या है, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चिन्ह होता है, तो ये इसका आपका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं मानूं कि इसका मास M1 बराबर, एक कंडीशन लगाऊं कि इफ M1 बराबर 1, M2 बराबर 1 और R बराबर 1, यानी कोई भी मास का द्रव्यमान ले रहे हैं केजी में, ग्राम में, तो 1 केजी इसका मान लें, इसका भी 1 केजी मान लें और इसको 1 सेंटीमीटर मान लें, तो आपका F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा G। यानी दो पिंड जिनके मास क्रमशः क्या है, एक एकांक है, इकाई है, और उनके बीच की दूरी भी इकाई है, तो उस पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यानी जो केपलर का नियम था उसके अनुसार जो ग्रहों के मोशन के लिए नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने, तो वो क्या दिया था, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में 8 ग्रह होते हैं और प्रत्येक ग्रह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं कौन कौन से, देखिए आप जैसे वार याद करते हो तो वार से याद कीजिए, कैसे कैसे वार याद करोगे, तो भाई सबसे पहले मंगल ग्रह, मंगल से शुरू कीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, नेपच्यून
और एक होता है आपका एटवां ग्रह जी कौन सा होता है, यूरेनस होता है। तो ये जो आठों ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने इसके तीन नियम दिए थे। पहले तो ये आठ ग्रह हो गए आपके, याद कर लेना वार के अनुसार, मंगल बुध फिर बृहस्पति शुक्र शनि पृथ्वी यूरेनस और नेपच्यून, ये आठ ग्रह होते हैं। ठीक है, वार के अनुसार याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। अब मैं बता रहा था केपलर के नियम। तो केपलर ने तीन नियम दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे भाई, थ्री नियम दिए थे। पहला नियम क्या दिया था कि जो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं तो सूर्य जो होता है वो फोकस पर होता है, इसके बिल्कुल फोकस पर। ये चित्र बना हुआ मैंने दिखाया, मेजर एक्सिस बना हुआ है जिसमें दो क्षेत्रफल दिखाई दे रहे होंगे, ए बी एक सी डी, दो क्षेत्रफल बने हुए, दोनों एक्शन है इसकी ए टू बी और इसकी भी है सी टू डी, दो डायरेक्शन बनी हुई है। तो मैं बता रहा हूँ ये जो सन बना हुआ है, यहाँ पर सन है तो ये बिल्कुल फोकस पर बना हुआ है और दोनों पर अक्ष बनना है, वो मेजर एक्सिस बन अक्ष बन रहा है। तो पहले नियम के अनुसार कैपलर के अनुसार जो सन होता है वो क्या होता है, ये बिल्कुल फोकस पर होता है, ये फर्स्ट नियम हो गया इसका। सेकेंड नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि हम ये माने ए टू बी, हम जो चाल होती है यदि जो चक्कर लगा रहे हैं वो ए टू बी तक पहुंचने में जो समय लगता है वही समय सी टू डी लगता है, यानी ए टू बी में जो टाइम लगता है वही टाइम कहाँ लग रहा है, सी टू डी में टाइम लग रहा है, दोनों में टाइम बराबर लग रहा है। तो बनने वाला यानी ए इसके मध्य ए बी का जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ए बी ए एस, तो ये क्षेत्रफल बन रहा है और एक सी डी एस क्षेत्रफल बन रहा है, यानी दोनों एरिया बराबर बराबर होंगे, किसके नियम के अनुसार, केपलर के नियम के अनुसार, यानी एरिया ऑफ बी एस एंड सी डी एस इज इक्वल, बराबर बराबर होते हैं, ये केपलर के अनुसार। तीसरा नियम क्या बताया, यदि कोई ग्रह है यानी कोई प्लानेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और हमें उसके आवर्त काल का पता लगाना है, यानी टाइम ऑफ पीरियड का पता लगाना है, माना वो टाइम ऑफ पीरियड क्या मान लिया हमने, ग्रह का प्लानेट का टी है। ठीक है, अगर हमें इसके आवर्त काल का पता लगाना है तो उसके अनुसार कैपिटल के अनुसार इस आवर्त काल का स्क्वायर सन से दूरी मान ली हमने कोई आर है, स्मॉल आर है, तो उसके घन के यानी उसकी क्यू के समानुपाती होता है, ये कैपिटल का तीसरा नियम होता है। पहले आपने आठ ग्रह याद कर लिए, आठ ग्रह याद करने कैपिटल के तीन नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, यानी जो सन होता है वो क्या होता है, फोकस पर होता है। दूसरा नियम होता है यदि ए से बी की तय करने में जो समय लगता है दूरी को, सी से डी के बीच दूरी जो तय करते हैं उन दोनों का क्षेत्रफल फिर बराबर होगा, ये समय बराबर है तो क्या होगा उसकी क्षेत्रफल भी बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। तीसरा नियम, अगर ग्रह का हम आवर्त काल निकाले, प्लानेट का हमने टाइम ऑफ पीरियड निकालना है तो उस टाइम पीरियड उसका वर्ग होता है आवर्त का, वो किसके समानुपाती होता है, दूरी के, सन से दूरी के घन के समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम दो ग्रह मान लें यानी टू प्लानेट मान लें, कितने मान लें, टू प्लानेट मान लें, टू प्लानेट मान लें, तो टू प्लानेट में हमने क्या मान ला, एक प्लानेट टी वन है और दूसरा प्लानेट हमने मान लिया उसका आवर्त काल कितना है, टी टू। एक प्लानेट का आवर्त काल टी वन है यानी टाइम ऑफ पीरियड टी वन है, दूसरे का टी टू है। ऐसे हमने डिस्टेंस माना, पहले के डिस्टेंस आर वन है, दूसरे के डिस्टेंस आर टू है, तो जो इसके फॉर्मूले सर क्या होगा, टी वन का स्क्वायर बटे टी टू का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर वन का क्यू बटे आर टू का, ये आपका केपलर का तीसरा नियम। ठीक है ना, अब नया नियम आता है, क्या नियम आता है भाई, नेक्स्ट डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, यानी केपलर के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे निकलता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या माने,
कि जो प्लैनेट, उसका कोई प्लैनेट यानी ग्रह है, तो उसका जो मास है वो हम क्या मान लेते हैं, एम। तो ये मास ऑफ प्लैनेट, और दूसरा जो कैपिटल है मैम वो मान लेते हैं मास ऑफ सन, ठीक है ना। मास ये तो प्लैनेट का हो गया, और ये एम मास ऑफ सन, यानी जो ग्रह के, जो सूर्य है जिस पर क्या कर रहा है ग्रह, कोई इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो रेडियस बना रहा है स्मॉल आर से, ये रेडियस बना रहा है, ये ग्रह है छोटा सा जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो रेडियस मान लिया हमने स्मॉल आर, तो आर बराबर हो गया रेडियस, या कह सकते हैं दूरी। तो ये क्या है, सर्कल में घूमता है, तो इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल जो लेते हैं फोर्स, उसके हिसाब से क्या होगा, इसके बराबर एफ बराबर होता है इसका फॉर्मूला एमवी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये आपका अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। यदि हम दूसरे रूप में इसका जो फॉर्मूला देखते हैं तो वी बराबर क्या होता है, यानी वी बराबर क्या होती है, वेलोसिटी, वी बराबर होती है वेलोसिटी। वो वेलोसिटी हमें किसकी देखनी है, प्लानेट की, जो चाल है वो प्लानेट की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और आपकी अदिश चाल होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, पर मैं बोला हूं वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो हम निकालते हैं, प्लानेट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर करा है, काट रहा है, तो वी वेलोसिटी होती है ग्रह के लिए ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा बराबर क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा बराबर टी, बट ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई आर, यानी जो ग्रह है वो क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर करा रहा है, यानी एक परिधि के रूप में काट रहा है, तो सर्कल की परिधि का मान क्या होता है, टू पाई आर, तो ओमेगा का मान हो गया टू पाई आर, तो बी बराबर क्या हो गया, टू पाई आर, ठीक है, बटे टी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या करें हम, वी का मान आपके एफ में रख दें, ठीक है ना, ये ऊपर से बढ़ा दूं, तो क्या करेंगे हम, देखिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो, है ना। हम वी का मान किसमें रख देंगे, वी का मान इक्वेशन टू से मान वन में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में वहां रख दिया, तो एफ बराबर क्या हो गया आपका, एम अपॉन आर, और आपका क्या हो गया ये, टू पाई आर बटे टी का होल स्क्वायर। बी की जगह हमने रख दिया मान, एम अपॉन आर था ही, हमने टू पाई आर अपॉन टी मान रख दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम बटे आर, जो गुणा करोगे तो फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपका एम इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे हम जानते हैं कैपल, तो क्या हो गया एफ बराबर एम आर से आर कट गया था, मैंने इक्वेशन नंबर तीन भी डाल दिया, अब यहां पर मैंने आर लिखना बंद कर दिया, आर और लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया एम फोर पाई स्क्वायर इंटू आर वन अपॉन टी स्क्वायर। अब जो थर्ड लॉ होती है कैपलर की, किसकी, कैपलर की, कैपलर्स लॉ कि थर्ड लॉ, मैंने क्या बताया था, इसके जो टाइम ऑफ पीरियड का बार किसके समानुपाती होता है, उसके रेडियस के,
उसकी क्यू की घात के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर चार रखिए, क्या हो गया ये कैपलर लॉ से, इसका प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर पांच, क्या किया है हमने यहां पर, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया है। अब इक्वेशन फाइव से मान कहां रखते हैं हम, थ्री में, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमने इसका मान रख दिया, तो क्या आया, एफ बराबर एम 4 पाई स्क्वायर आर इंटू 1/T, तो 1/T स्क्वायर, टी स्क्वायर अपन क्या रख देंगे, के आर क्यू। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, एक आर से एक आर क्यू कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, तो क्या आया, एफ बराबर एम 4 पाई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर और नीचे क्या रह गया आपका, के, ठीक है। मेन फॉर्मूला इसको हम थोड़ा सा करते लिखते हैं, तो एक आ जाएगा एम बटे आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू बटे के, ठीक है, जो आपके मान इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 6। अब मैंने बताया था जो कैपिटल एम है वो क्या है, मास ऑफ सन, सन का मास बताया था, मैं लेट कंसीडर किया था, तो जो मास होता है वो सन का जो मास होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ सन, सन इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन बटे की, यानी कैपिटल एम जो प्रोपोर्शनल होता है 4 पाई स्क्वायर इन बटे के, ये विनोदियत कह सकते हो कि इसका मास किसका होता है, जिस वैल्यू के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 4 पाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू एम, ये लिखना सही है। अब ये मास मैंने पहले लिखा दिया, ये नहीं है, दिस वैल्यू प्रोपोर्शनल टू एम, अब समान बात प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर बटे के बराबर जी एम, और कैपिटल जी क्या होता था आपका पता है, मैंने गुरुत्वाकर्षण बल यही बताया था ना आपको, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास आ गया, ये मान क्या कर दे हम समीकरण नंबर 6 में पुट कर दे, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास, 7 हो गई। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 7 में 6 में इसको पुट कर देंगे, तो 6 में पुट करने के बाद क्या होगा भाई, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 6 में पुट कर देंगे, तो एफ बराबर एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा, जी एम, तो एफ बराबर हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी केपलर नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है जी इंटू एम एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ सन, और स्मॉल एम क्या है, प्लैनेट का मास, और आरएस क्या है, ग्रह जो चक्कर लगा रहा है सूर्य का उसका रेडियस, तो दिस फॉर्मूला आपकी केपलर नियम से ज्ञात होता है, ठीक है ना। तो एक केपलर नियम से गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना, एक इसमें उससे पहले बताया था दो विंडो के बीच में कैसे मास बनता है, तो दोनों के माध्यम से हम गुरुत्वाकर्षण का बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो चीज हमने आपको आज बताई है। तो ये इसका पहला पार्ट था फिजिक्स पार्ट, तो दोनों पार्ट, एक सेकंड पार्ट और आएगा, तो एक न्यूमेरिकल उसमें हम करा देंगे, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे। तो आज पहला जो पार्ट बना है, तो इस पार्ट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका बनाएंगे। फिलहाल इसको आप नीचे अपना कमेंट डालिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें नीचे अपना नाम और कमेंट अवश्य डाल लीजिए, जिससे हमें पता चले आप वीडियो को पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।